नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग जब हम DSLR से करते हैं तो उसमें जो हमें ऑडियो क्वालिटी बेस्ट लाने के लिए माइक्रोफोन की कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग क्या है। दोस्तों मेरे पास है निकॉन D5300 और इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि वीडियो में जो है हमको ऑडियो क्वालिटी बेटर करने के लिए बाहर का नॉइज़ जो है वो सराउंड नॉइज़ जो है वो कम करने के लिए माइक्रोफोन को आपको सेट करना पड़ेगा, माइक्रोफोन की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। वो सेटिंग मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि परफेक्ट सेटिंग क्या है। दोस्तों वही सेटिंग आपको अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे करनी है, तब आपका ऑडियो का क्वालिटी एकदम अच्छा आएगा और बाहर का सराउंडिंग साउंड बहुत कम आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपको बता दूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप एंड तक देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा है बुरा जैसा भी लगे। और अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, आप कुछ और जानना चाहते हैं DSLR के बारे में, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेरा कैमरा आप देख रहे हैं ऑन में है। मैं यहाँ पर जाऊँगा मीनू में। मीनू में जाके आपको दोस्तों ये मेन्यू आ गया मेरा, ये मेरा प्लेबैक मेन्यू है, ये मूवी सेटिंग है। शूटिंग मेन्यू में हमको जाना है। शूटिंग मेन्यू में आप जाएंगे तो ये मूवी सेटिंग दिखाएगा आपको। मूवी सेटिंग में आपको सेलेक्ट करना है, ये मूवी सेटिंग सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको इसको यहाँ पे जो आगे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रोफोन सेटिंग जो है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको इस समय 8 पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 12। तो आपको जो अपना माइक्रोफोन का सेटिंग जो है ना दोस्तों 12 से ज़्यादा नहीं करना है। 12 से ज़्यादा अगर आप इसको सेट करेंगे तो इसमें जो है बाहर का साउंड जो है बहुत ज़्यादा ले लेगा। जैसे कि मैं आपको भी इसको सेटिंग को चेंज करके दिखा रहा हूँ। इसमें जो ये स्क्रोल बटन आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा इसका सेंसिटिविटी चेंज। यहाँ पर मैंने 8 सेट करके रखा हुआ है। अभी मैं अगर इसको ऊपर कर रहा हूँ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कर दिया मैंने जैसे। तो अभी मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रेंज से बाहर निकल के जा रहा है, रेड तक ये जाके टच कर रहा है 16 पे। जैसे मैं इसको कम करूँगा तो यहाँ पे ही अपने आप ही कम होता जाएगा, 15, 14 की। अभी देखिए ये रेड नहीं आ रहा है मार्किंग, जो रेड मार्किंग पहले आ रहा था 16 पे वो नहीं आ रहा है, अभी येल्लो मार्किंग आ रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा और कम कर दूँगा 13 पे, ये 12 पे। 12 पे देखिएगा वाइट लाइन जो है सिर्फ 12 तक आ रहा है और येल्लो लाइन भी 12 पे आके सेट हो गया है। तो आप इसको 12 रखिएगा या 12 से कम रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा कम भी नहीं करना, आप इसको 8 से 10 के बीच में रखेगा तो बेटर आपको ऑडियो क्वालिटी मिलेगा। दोस्तों ये एक छोटा सा सेटिंग था माइक्रोफोन का, जो कि वीडियो की क्वालिटी में ऑडियो क्वालिटी बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो स्पेशली बनाया है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर